हाय दोस्तों दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बढ़िया फिल्म की, यानी सबसे उम्दा फिल्म की। गेस, मदर इंडिया, शोले, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गदर एक प्रेम कथा। नहीं, ये सब फिल्में तो जिंदी हैं। इन सबसे भी ज्यादा, सबसे महान फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बढ़िया फिल्म है कांति शाह की गुंडा। जी हाँ, एक बहुत ही महान फिल्म, और अगर इस फिल्म को आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। दोस्तों, ये हिंदी सिनेमा के इतिहास की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें लोगों ने हीरो को पसंद ना करके उनके विलन्स को पसंद किया। फिल्म में हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। मैं गरीबों के लिए हीरो हूं और तुम जैसे लोगों के लिए विलन। नाम है मेरा शंकर, हूं मैं गुंडा नंबर वन। लेकिन फिल्म का सारा क्रेडिट ले गए फिल्म के सारे खलनायक, और खलनायक कहना गलत होगा क्योंकि ये खलनायक दरअसल दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुंडा फिल्म के उन खलनायकों के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में, और ही जानेंगे उनकी सच्चाई, ताकि आपको भी पता लग सके कि वो गुंडे नहीं बल्कि हीरे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन सब के सरगना मिस्टर बुल्ला की। मिस्टर बुल्ला को लोगों ने बहुत गलत समझा है, उनकी सच्चाई किसी को पता ही नहीं। लोग समझते हैं वो गुंडे हैं, लेकिन वो गुंडे नहीं है। तो वो गुंडे नहीं बल्कि बहुत ही नेक दिल इंसान है, जिनके दिल का दरवाजा सबके लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। और इसीलिए वो कहते हैं, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। और लोगों ने पता नहीं इनको क्यों बदनाम कर दिया। बहुत बड़ी साजिश है ये। दोस्तों, सेम ऐसा ही हुआ इनके छोटे भाई के साथ, जिसका नाम है चुटिया। बुल्ला की ही तरह बहुत ही नेक दिल, बहुत ही दिलदार इंसान, लेकिन लोगों ने उसको भी एक गलत इंसान समझा। मिस्टर चुटिया तो एक बहुत बड़े समाज सेवक है, बिना किसी मोह माया के सेवा में लगे रहते हैं। शादियों वाले घर में स्पेशली वो सेवा करते हैं। यहाँ शादी ब्याह कहीं भी होती है, गांव शहरों में कहीं पे भी शादी ब्याह होती है, तो उसमें जब मेहमान रात में रुकते हैं तो रात में मेहमान सोते भी हैं, तो वो जो खटिया होती है जिन पे वो सोते हैं, तो सुबह जब वो मेहमान उठते हैं तो ये बिना कहे, बिना कुछ पैसे लिए, वो उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे मेहमान सो के उठे हैं, उन सब मेहमानों के चद्दर बिस्तर सब तय करके लगाते हैं, उसके बाद उन सब की खटिया को खड़ा कर देते हैं, और ये सब बिना किसी लालच के फ्री में मुफ्त सेवा दे रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाके वो कहते भी रहते हैं, मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। तो अब बताइए, इस जैसे महान इंसान को गलत समझा जा सकता है? दोस्तों, इन्हीं की टीम में एक और इंसान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है वो, लेकिन उसको भी लोगों ने गुंडा समझा, और वो है मिस्टर पोते। दोस्तों, दरअसल मिस्टर पोते एक बहुत ही बड़े ज्ञानी है। उन्होंने अपने आप को अध्यात्म में इतना डुबो लिया कि वो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं। जिंदगी का फलसफा सीखना हो तो उनसे सीखिए। दोस्तों, उनका कहना है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये कलयुग है, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, पोता दादा का नहीं। जी हाँ, यही तो ये वो सिखाना चाह रहे हैं, एक कलयुग है, सब लोग स्वार्थी हैं। जी हाँ, यही तो वो फलसफा सिखा रहे हैं जिंदगी का। इतने महान इंसान को लोगों ने गलत समझा, मिस्टर पोते जैसे इंसान को लोगों ने गलत समझा, गुंडा समझा, जबकि वो सबसे यही कहते हैं, मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। और दोस्तों, इनके टीम में एक और इंसान है जो इन सब से भी कहीं ज्यादा महान है। सबसे महान इसलिए क्योंकि उनके को निवाला खिलाने से बड़ा पुण्य शायद कोई नहीं, और ये जहां भी सड़क पे कहीं भी कोई भूखा मिलता है उसे ये अपने हाथों से केला खिलाते हैं। इनके माँ बाप क्रिमिनल थे, लेकिन उसके बावजूद इनका बेटा ये इबू हटेला, मिस्टर इबू हटेला, अपने दिल के अच्छे और नेक इंसान है कि पूछिए मत, पर इनको कोई शर्म नहीं है, ये कहते हैं, मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। तो दोस्तों, आप ही बताइए, ये मिस्टर बुल्ला, मिस्टर चुटिया, मिस्टर पोते और ये मिस्टर इबू हटेला,
ये कोई गलत इंसान है।